हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स एंड ब्लॉग में। तो आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सिंपल आसान रेसिपी, एकदम स्वादिष्ट टेस्टी और आसान रेसिपी। आप देख सकते हैं, 500 ग्राम गोभी को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं, अच्छी तरह से धो कर ले लिए हैं। आलू को भी छोटे छोटे पीसेस में काट कर अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिए हैं। एक बारीक टमाटर भी काट लिए हैं, बड़े साइज़ का टमाटर। दो प्याज को लंबे लंबे स्लाइस में काट लिए हैं। इधर कढ़ाही गरम हो गया है। दो टेबल स्पून सरसों तेल डाले हैं, हाफ टी स्पून जीरा डाले हैं। तेल गरम होने के बाद दो प्याज जो काट कर रखे थे लंबे स्लाइस में, उसको भी डाल दिए हैं। दो हरी मिर्ची को भी डाल दिए हैं। चलाते हुए 1 मिनट तक भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि प्याज जले ना। साथ साथ गोभी भी डाल देंगे, प्याज के साथ साथ गोभी भी अच्छी तरह से भून जाएगा। अच्छी तरह से मिला लेंगे गोभी को, इस तरह से आप देख सकते हैं। ढक कर लो फ्लेम में 2-3 मिनट तक पकाएंगे गोभी को। बीच बीच में ढक्कन हटाकर चलाते रहेंगे गोभी को, ताकि जले ना। आप देख सकते हैं, इस तरह से गोभी को पहले इस तरह से फ्राई कर लेने से अच्छे टेस्ट आते हैं गोभी आलू की भाजी में। फिर से ढककर 1 मिनट पका लिए हैं। आप देख सकते हैं, गोभी में अच्छे से कलर आ गया है, प्याज भी पक गया है। तो अब हम कटे हुए आलू को डाल देंगे। आप देख सकते हैं, आलू हम डाल दिए हैं। अब हम आलू को भी अच्छी तरह से मिला लेंगे, इस तरह से देख सकते हैं आप। अब हम ढक कर 2-3 मिनट आलू को भी पकाएंगे। 2-3 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं। चलाते रहेंगे, आलू भी अच्छी तरह से भून गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। अच्छी तरह से भून जाने के बाद आलू गोभी अच्छी तरह से भून गया है। अब हम हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। वन टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। बारीक कटे हुए 1 टमाटर डालेंगे। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से चलाते हुए कलछी की सहायता से मिला लेंगे सबको। ढक कर लो फ्लेम में 5 मिनट तक पकाएंगे ढककर। बीच बीच में ढक्कन हटाकर चलाते रहेंगे, ताकि आलू गोभी की भाजी नीचे से जले ना। आप देख सकते हैं, आलू गोभी की भाजी कितने अच्छे पक गए हैं। एकदम स्वादिष्ट आलू गोभी की भाजी बन गया है फ्रेंड। तो अब हम हरे धनिया से गार्निश कर दिए हैं, कटा हुआ हरा धनिया से मिला लिए हैं। तो आलू गोभी की भाजी स्वादिष्ट सर्व करने के लिए तैयार है। तो चलिए सर्व करते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलर आए हैं। आप इस सब्जी को बच्चे के टिफिन बॉक्स या सफ़र में भी ले जा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। सुपर टेस्टी और आसान आलू गोभी की भाजी रेसिपी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एकदम टेस्टी लगता है फ्रेंड। इस तरह से बनाइएगा तो सभी को पसंद आएगा, बच्चे को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे ये आलू गोभी की भाजी। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड। इतना मेहनत करने के बाद आप लोग फुल वॉच नहीं करते हैं वीडियो को, प्लीज़ सपोर्ट फ्रेंड। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें फ्रेंड।
इस तरह की नए नए रेसिपी देखने के लिए आप नए अगर चैनल में आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।